इसमें चार स्टेजेस हैं जो जो के एक दूसरे से बड़ा कनेक्टेड वे में हो रही होती है। पहला हो रहा था एट्रियल, यस प्लीज, एट्रियल की फिलिंग हो रही थी ना भाई, एट्रियल डायस्टोल। उसके बाद जब एट्रियल डायस्टोल हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया। उसके बाद जब एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड कहां फिल हुआ, वेंट्रिकल में। उसकी वजह से हमने क्या कहा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो गया। और जब वेंट्रिकल भर गया तो उसके बाद फिर वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर क्या हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ। यस और नो? यस सर। सर जो सेकेंड और थर्ड वाला एट्रियल एंड सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये दोनों टेक्निकली एक ही साथ, एक साथ होते हैं ना? यस यस। बात समझ में आई या नहीं आई? और सर जो एट्रियल डायस्टोल के बाद, एट्रियल डायस्टोल के बाद और इन बिटवीन एट्रियल डायस्टोल एंड सिस्टोल ऐसे नोडल एक्टिविटी हुई थी, और इन बिटवीन वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल एवी नोडल एक्टिविटी हुई थी। यस और नो? यस सर। जी अभी क्या पूछ, हाँ सर मैं पूछ रही थी एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल एक साथ होता है कि नहीं, बिकॉज़ यू नो थोड़ा सा डिले होता है, सिस्टोल हो रहा होता है और वो, हाँ बिल्कुल ऑब्वियस है, अगर आप प्रैक्टिकली इमेजिन करेंगे तो इस वक्त वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, उस वक्त एट्रियम तो रिलैक्स पड़ा रहा है, उसमें ब्लड भर रहा होगा। अच्छा अगर मैं ये कहूं कि ऐसे नोड और एवी नोड ही ये मेक श्योर करते हैं कि एटीएम सही टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करे, वेंट्रिकल सही टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करे, बात सही है या नहीं? यस सर। तो इसका मतलब हार्ट की जो साइकिल है उसे मेंटेन करने, उसकी सही पेस को मेंटेन करने की जिम्मेदारी जो है वो इन दो बैटरीज के ऊपर है, इसीलिए इनको पेस मेकर कहा जाता है कि हार्ट की जो बीटिंग है उसे एक सही रिदम में मेंटेन करने को हम पेस ऑफ हार्ट कहते हैं, और इसीलिए इस इन दो टिश्यूज को हम पेस मेकर कहते हैं। अच्छा लब और डब कब प्रोड्यूस होता है ये भी समझ में आ गया? यस सर। जब एवी वेल्व पे ब्लड स्ट्राइक करता है आफ्टर एट्रियल सिस्टोल, है ना? यस सर। यस सर। और ये कब होता है, जब सेमी लूनर वेल्व पे ब्लड स्ट्राइक करता है आफ्टर वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्लियर है भाई, कोई मसला तो नहीं? नो सर। बहुत बेहतरीन हो गया, ये चैप्टर का थ्योरेटिकली टॉपिक खत्म हो गया यहाँ पर, थ्योरेटिकली यहाँ पर टॉपिक खत्म हो गया। ईसीजी जो है पहले था हमारे सिलेबस में लेकिन अब इस साल से नहीं है, तो इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे। और अब इससे रिलेटेड दो ग्राफ बहुत ज्यादा, दो नहीं एक ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ओ लेवल सही से याद है तो ओ लेवल्स में भी आपने वो ग्राफ देखा हुआ, ओ लेवल्स में भी आपने वो ग्राफ देखा हुआ है। अगर मैं तुम्हें रफली बनाकर दिखाऊंगा तो शायद तुम्हें याद भी आ जाए। है नहीं ईसीजी वाला नहीं बेटा, अभी याद आएगा, ब्लड प्रेशर का ग्राफ था, ब्लड प्रेशर का और उसका। तो क्या है? बहुत हैंग हो रहा था इसमें, मैंने कहा कि यहीं करा दूं फिर।
देखो याद आया, इस तरह का ग्राफ आता था वो लेवल में भी, एमसीक्यू में आता था। यस सर। ठीक है, यहाँ पर ये जो रेड लाइन है ना, ये एओर्टा का प्रेशर शो कर रही है, एओर्टा का प्रेशर, और ये जो है वो हार्ट के अंदर का प्रेशर शो कर रही है। इसके बेसिक मार्कर समझ लो, ठीक है, बेसिक मार्कर समझ लो, जब आएगा ग्राफ तो देख लो कि नोट्स में मैंने दिया हुआ है। यहाँ आप देखिए ये प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा है हार्ट में, दिस इज शोइंग एट्रियल सिस्टोल, ये बस फिक्स ग्राफ है, रट्टा लगा दो, दिस इज शोइंग व्हाट, एट्रियल सिस्टोल। उसके बाद आप देखिए प्रेशर नॉर्मल हो गया, फिर बढ़ना शुरू हुआ, 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 और यहां पर जाकर, इस पॉइंट पर जाकर आप देखिए तो आपको नजर आ रहा है एओर्टा में भी प्रेशर बढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि वेंट्रिकल का प्रेशर, यानी एट्रियल सिस्टोल के बाद ब्लड कहां चला जाता है, वेंट्रिकल में, प्रेशर बढ़ता बढ़ता बढ़ता, लेकिन वाल्व किस, अच्छा एट्रियल सिस्टोल होता है तो एट्रियल सिस्टोल के बाद आप जानते हो कि वाल्व चारों बंद होते हैं, ये सुनो। यस सर। तो दिस इज द टाइम पीरियड जहां पर ऑल फोर वाल्व्स आर क्लोज। जब ग्राफ आएगा ना तो ये इस यहां से लेकर ये पूरा ऊपर तक, ये वो टाइम पीरियड होता है जहां पर चारों वाल्व क्लोज होते हैं। उसके बाद यानी जब एट्रियल सिस्टोल हुआ है, एट्रियल सिस्टोल में क्या मतलब है, इस पॉइंट पर मैं कहूं तो ए बी वाल्व खुले होंगे, ये सुनो। यस सर। और फिर खुल के फौरन बंद हो गए होंगे, और जब तक एओर्टा में प्रेशर नहीं बढ़ा, इसका मतलब है सेमी लूनर वाल्व बंद है ना, एओर्टा में प्रेशर यहां से बढ़ा है, इसका मतलब है सेमी लूनर वाल्व यहां खुले, ये सुनो। यस सर। तो जरा समझना, ए बी वाल्व यहां ओपन हुए हैं, फिर क्लोज हो गए, और उसके बाद इस ड्यूरेशन में चारों वाल्व खुले रहे। अच्छा फिर देखो एओर्टा में प्रेशर बढ़ा है, उसके बाद फिर यहां पर आके देखो प्रेशर दोबारा नीचे आ गया है, इसका मतलब है इस पॉइंट पर आकर सेमी लूनर वाल्व क्या हो गए, बंद हो गए, सेमी लूनर वाल्व क्या हो गए, क्लोज हो गए, ये सुनो। और उसके बाद फिर अगला जो वाल्व होंगे वो यहां खुलेंगे, तो ये वाला वो टाइम आ गया दोबारा से कि जहां पर अगेन फोर वाल्व आर क्लोज। तो बस ये पिक्चर दिमाग में घुस लो कि जब ये डाइ बहुत आता है ये ग्राफ, तो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए, बाकी तो मैंने आपको बता दिया वर्किंग में कि सारा कुछ है, लेकिन वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग के ऊपर जो कमेंट है ना वो आपको आना चाहिए। ये जो ग्राफ है ये एट्रियल सिस्टोल को शो कर रहा है, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल को शो कर रहा है, ये सेमी लूनर वाल्व की ओपनिंग को शो कर रहा है, ये सेमी लूनर वाल्व की क्लोजिंग को शो कर रहा है, ये ए बी वाल्व की ओपनिंग को शो कर रहा है, और यहाँ पर ए बी वाल्व क्लोज हो रहे हैं, इस ड्यूरेशन में चारों वाल्व क्लोज हैं, यहाँ पर ए बी वाल्व ओपन होंगे, और यहाँ इस ड्यूरेशन में चारों वाल्व क्लोज रहेंगे। तो ये इस तरह का ग्राफ आप देखोगे, नोट्स में एग्जैक्टली भी बना हुआ है, तो आपको जब रेफरेंस मैंने बता दिया तो आप आसानी से कर लोगे, वरना बड़ा मुश्किल होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। एक और ग्राफ भी आता है इसका, वो भी बता दूं आपको मैं जल्दी से, वो हार्ट का नहीं है, वो ब्लड वेसल का ग्राफ है। ठीक है, चैप्टर खत्म होने लगा है बेटा, ये ब्लड वेसल का एक और ग्राफ आता है। तुमने अलीश भाई चैप्टर मुझसे पूरा पढ़ा है ना? अलीश भाई जी सर, बीच में एक क्लास में सोई थी बस, वो लेकिन मैंने सुन ली थी रिकॉर्डिंग। अच्छा, तो कर लिया, समझ में आया या नहीं आया, कैसा चैप्टर था ये, मुश्किल था आसान था, स्कूल में हो गया चैप्टर? चैप्टर जी सर, स्कूल में हुआ है चैप्टर, ये यही चल रहा है अभी सर, वो हार्ट का स्ट्रक्चर करवा रहा हूं। भाई तुम्हें तो सब आता ही है, फिर तुम मेरे पास आती क्यों पढ़ने यार? क्या मतलब सर? मतलब वो करा रहे हैं तो तुम्हें समझ तो आ ही रहा होगा ना, फिर टेंशन क्या है? कैसा लगा चैप्टर तुम्हें? थोड़ा मुश्किल है, मतलब जैसे पढ़ने के बाद स्कूल में स्टार्ट किया था तो तुम्हें कुछ पढ़ा हुआ लग रहा था, कुछ समझ में आ रहा था, कुछ अच्छा लग रहा था, या और मुश्किल लग रहा था? अच्छा चलो, एक और बात समझो बेटा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, एक और बात समझो, और वो क्या है, वो है ब्लड प्रेशर। देखो याद रखो, ये भी आ जाता है, इस तरह का एक ग्राफ आ जाता है, याद रखना ये ब्लड फ्लो का ग्राफ होता है। ब्लड फ्लो के ग्राफ में जहां पर आपको ब्लड का फ्लो ऐसे पल्सेटाइल ऊपर नीचे नजर आ रहा है, ये शो कर रहा है आर्टीरियल ब्लड फ्लो। ये हार्ट से बाहर आ गया हूं मैं, आखिरी बात बता रहा हूं, आर्टीरियल ब्लड फ्लो, क्योंकि याद है हमने पढ़ा था कि आर्टरी के अंदर ब्लड पल्सेटाइल फ्लो करता है, क्योंकि हार्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, इसलिए आर्टरी के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो हर पल्स के साथ क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। इज दैट क्लियर? यस सर। अब जैसे यहां पर आप देखिए,
यहाँ पर ज्यादा प्रेशर चेंज हो रहा है इसका मतलब हो सकता है ये आर्टरी हो, और यहाँ पर कम प्रेशर चेंज हो रहा है तो हो सकता है ये आर्टेरियोल हो, क्या हो ये आर्टेरियोल, लेकिन चूंकि दोनों में पल्सेटाइल फैशन है तो दोनों होंगी आर्टरीज ही, इज दैट क्लियर? यस सर, बात समझ में आती है लिश भाई वाली, कि आर्टरी का जो प्रेशर फ्लो होता है वो हमेशा इस तरह से ऊपर नीचे होता है, और फिर जाहिर है आर्टरी डायरेक्ट तो वेन से कनेक्ट नहीं हुई भी होती, इसका मतलब है ये वाला पार्ट जिसमें लीनियर ब्लड फ्लो है और कम भी है ये किसको शो कर रहा होगा? कैपिलरी, कैपिलरी को, यस और नो, बच्चे समझते हैं? यस सर। और जहां प्रेशर बिल्कुल कम है वो पार्ट वेन को शो कर रहा होगा, यह ध्यान में रखिएगा, छोटी से छोटी आर्टरी के अंदर, बच्चों को खुद से ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि शायद छोटी आर्टरी के अंदर प्रेशर कम होगा और वेन के अंदर ज्यादा होगा, नहीं बेटा, छोटी से छोटी आर्टरी का प्रेशर भी बड़ी से बड़ी वेन से ज्यादा होता है, छोटी से छोटी आर्टरी का प्रेशर भी बड़ी से बड़ी वेन से ज्यादा होता है, इज दैट क्लियर? यस सर। और इसी तरह कैपिलरी का प्रेशर भी वेन के प्रेशर से ज्यादा होता है, तो ये ग्राफ आई डोंट नो कैसे आएगा, बट यू नीड टू जस्ट हैव दिस थिंग इन योर माइंड कि पल्सेटाइल पैटर्न आर्टरी को शो करेगा, अगर उसमें फ्लक्चुएशन आ रही है, कहीं पर ज्यादा पल्स है और कहीं पर कम पल्सेटाइल नजर आ रहा है, तो इट मींस कि वो आर्टरी और आर्टेरियल हो सकता है, या अगर तीन स्टेजेस नजर आ रही है कि पहले बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है फिर कम फिर उससे भी कम, तो इसका मतलब है एओर्टा आर्टरी और आर्टेरियल हो सकता है, एओर्टा आर्टरी और आर्टेरियल हो सकता है, ठीक है ना, एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी उसमें सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन, उसके बाद फिर आर्टरी और फिर आर्टेरियल, उसके बाद आर्टरी डायरेक्ट कभी भी वेन से कनेक्ट तो नहीं होती, तो दरमियान में जो पार्ट आएगा वो होगा कैपिलरी का, और फिर बिल्कुल जो लो प्रेशर पार्ट आएगा वो आएगा वेन का। अब वेन के अंदर भी अगर आपको अलग अलग लेवल्स नजर आ रहे हैं तो फिर वेन्यूल और वेन हो सकता है, यस और नो? यस सर। बात आई समझ में या नहीं आई? यस सर। आई सर। बेटा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो। Thank you.